प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, कबीर साहब जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर ऑफ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, बहुत कुछ कबीर साहब ने रूहानियत के बारे में कहा है। रूहानियत क्या है? हमारा रूहानियत के रास्ते पर चलना ज़रूरी क्यों है? हम जो इस धरती पर आए हैं, इस धरती को रचने वाला पिता परमेश्वर, उससे हमारा रिश्ता नाता क्या है? और कैसे जब हम अपने आप को इस दुनिया में पाते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए? इन सब के बारे में कबीर साहब ने बहुत कुछ कहा है। कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि कैसे हम मोक्ष पा सकते हैं। जिस मकसद से हम आए हैं, जो अपने आप को जानना है, जो पिता परमेश्वर को पाना है, जो 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाना है, उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचे? वो समझा रहे हैं कि हमारा असली रूप आत्मिक है। वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु से मिलना चाहती है, वो आत्मा जो प्रभु से जुड़ना चाहती है, लेकिन जुड़ पाती नहीं। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर आत्मा के साथ साथ हमारा मन है। वो मन जिसे आत्मा के कहे सुने में चलना चाहिए, लेकिन चीज़ें कुछ उल्टी हुई हुई हैं। मन हमारा आत्मा पर हावी हो गया। मन जो कि दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारी आत्मा को भी दुनिया के साथ जोड़ी जा रहा है। मन जो शांत रह नहीं पाता, हलचल में है, उसने इतनी हलचल की हुई है कि हम शांत अवस्था को पा नहीं सकते। मन जो लगातार बार 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 वही चीजें करता रहता है, मन जिसे दुनिया से बहुत प्रेम है, मन जिसे दुनिया से बहुत लगाव है, मन जिसका काम ये है कि वो हमें पिता परमेश्वर से दूर रखे, ताकि हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून से निकल ना पाए। तो वो मन जो हमें असलियत से दूर रखता है, जो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, उस मन को सही रास्ता कबीर साहब इस शब्द के जरिए दे रहे हैं। उसे समझा रहे हैं कि उसे कैसे रहना चाहिए। अगर वो ऐसे ही रहता रहा, जैसे कि उसका लगाव दुनिया से बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये जीवन क्या है? मन के जरिए हमें मदद मिल सकती है, अगर मन हमारा मददगार बनेगा। तो कबीर साहब मन को ये आदेश दे रहे हैं कि कर साहेब से प्रीत रे मन। कह रहे हैं कि हे मन, तुम तो दुनिया से प्रीत करे बैठे हो, दुनिया की ओर ध्यान लगाए बैठे हो, दुनिया की चीजों में फंसे हुए हो, तुम्हें पिता परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर पिता परमेश्वर से प्रेम करोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अगर दुनिया की चीजों से ही लगाव करते रहे, दुनिया की चीजों के साथ ही जुड़े रहे, तो फिर ये मौका जो हमें मिला है, इसका कोई हम फायदा उठा नहीं पाएंगे। तो मन जो हर समय हलचल करता रहता है,
उसे ये समझाया गया कि तुम प्रेम का रास सकते हो। आत्मा को भी ये समझाया गया है कि मन से झगड़ा नहीं करना, कि अगर कोई चीज पानी है तो लड़ाई झगड़ के नहीं, प्रेम से पानी चाहिए। कि हम ये ना समझें कि क्योंकि मन हमारा दुश्मन है हम उससे लड़ाई करेंगे, प्रेम का रास्ता इख्तियार करके ही हम सब कुछ जीत सकते हैं। और अगर हम सोचें कि कुछ लड़ाई झगड़ा करके, कुछ अपनी ताकत दिखाकर हम कुछ पा सकेंगे तो वो ना मुमकिन है। यहाँ पर कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम मन के साथ प्रेम से वर्ताव करें, उसको भी समझाएं कि उसका घर भी ये घर नहीं है। तीन किस्म के मन होते हैं, पिंडी मन, अंडी मन, प्रमंडी मन, क्योंकि मन का दायरा सिर्फ ब्रह्मांड तक है। उसको समझाएं कि उसने भी अपने घर जाना है, वो भी अपने घर से दूर है, और फिर उसकी हमें मदद मिलेगी। क्योंकि मन रिपीटेडली सेम चीजें करता है, बार 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 उसी तरफ जाता है। इसलिए हम देखेंगे कि जब हमारी आदतें पड़ी होती है वो जाती नहीं, बार 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 वही चीजें हम करते रहते हैं। तो मन की हम मदद लें, उसके जरिए ध्यान अभ्यास पर बैठें, बाकायदगी से बैठें, उसके साथ दोस्ती करें, उसको समझाएं कि उसने भी प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा जाना है। प्रभु के प्रेम का रंग हम सबके भीतर है, कि ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएं और अंदर की ओर करें, तभी हम जिस पर्पस के लिए इस धरती पर आए हैं वो पर्पस हमारा पूरा होगा। तो कबीर साहब मन को यही कह रहे हैं कि तुम प्रेम का रास्ता इख्तियार करो। प्रेम किससे करो? पिता परमेश्वर से। क्यों? उनकी ये सृष्टि रची है, उनके यहाँ मंच है, उनको हमने जानना है, उनको पहचानना है, उनसे एक में करना है। तो जिस और हम ध्यान देंगे वैसे ही बन जाएंगे। जब प्रेम पिता परमेश्वर के साथ करेंगे तो हम उनसे एक में हो जाएंगे, तभी 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा होगा। और आगे इस शब्द में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके हमें समझा रहे हैं कि ये जो मौका हमें मिला है इस शरीर में आने का, ये एक सुनहरा मौका है। फरमा रहे कि ऐसा समय बहुर नहीं पे हो, जे है अवसर बीत। वो समझा रहे हैं कि ये जो समय है, ये जो हमारा मानव चोला है, ये जो जीवन हमें मिला है, कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कि ऐसा समय बहुर नहीं पे हो, कह रहे कि ऐसा समय फिर से मिलेगा नहीं। आत्मा 84 लाख जुआ जून में भटक रही थी, प्रभु ने दया की कि हमें ये चोला दिया, और फरमा रहे हैं कि ले है अवसर बीत, कि ये जो अवसर है, ये जो टाइम मिला है, समय मिला है, अवसर मिला है, ये निकल जाएगा, बीत जाएगा। तो इसमें हम फायदा उठाएं, जैसे इंग्लिश का मुहावरा है मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, कि इस समय हमारा सूर्य निकला हुआ है, इस समय हम मानव चोले में हैं, जिसमें प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। हमें प्रभु ने विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी है कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं। हर एक इंसान में प्रभु ने ये शिव नेत्र दिया है ताकि हम अंदर की दुनिया की जानकारी पाए। इस समय हम जो हमारी इंद्रियां हैं, जो फिजिकल सेंसेस हैं, उनके घाट पर जी रहे हैं। इन आंखों से हम देखते क्या हैं दुनिया की चीजें, इन कानों से सुनते क्या हैं दुनिया की आवाजें, इस नाक से सूंघते क्या हैं जो सौगंध इस दुनिया की होती है, इन जबान से चखते क्या हैं जो चीजें, जो पदार्थ इस दुनिया के हम खाते हैं, और फिर शरीर में हजारों सेंसेस हैं
उनसे फीलिंग्स ऑफ टच के यहाँ लगता है हाथ, तो फील होता है कि ये कैसा है, कोई चीज़ यहाँ लगती है तो वो फील होती है, कैसे सेंसेशंस आते हैं शरीर के अंदर। तो इन पांच इंद्रियों के जरिए हमारा ध्यान, जो कि हमारी आत्मा का भारी रूप है, वो बाहर दुनिया में जाना है, उसे हमें अंदर की दुनिया में लेके जाना है। अगर अंदर की दुनिया में लेके जाएंगे तो असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाएगी और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बता रहे हैं कि इस सुनहरे मौके को हम गंवाए नहीं, ये बड़ी मुश्किलों से मिला है और ये समय बड़ी जल्दी ही व्यतीत हो जाता है। जब इंसान छोटा होता सोचता मेरे पास बहुत समय है, जैसे ही बड़ा होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं और लगता है समय और तेजी से चला जा रहा है और किसे मालूम नहीं कि कब तक उसने जीना है। कितने एग्जाम्पल्स हम सबकी जिंदगी में होते हैं, जब कोई घर से गया और वापस पहुंचा नहीं, उसकी मौत हो गई, घर में ही बैठा है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई चल बसा, तो कितने क्षण हमने जीना है ये हमें मालूम नहीं। हर पल पल का हम फायदा उठाएं, फायदा कैसे उठाएंगे, जब प्रभु से प्रेम करेंगे, जब हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, कर साहेब से प्रीत रेमन, जब प्रेम के रास्ते को इख्तियार करेंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आगे कवि सब फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये शरीर जिसको हम अपना आपा समझते हैं, ये शरीर जिसको हम सोचते हैं कि यही हम है, इसी का हम ख्याल करते हैं, इसी को साफ करते हैं, इसी को पाक करते हैं, इसी को खाना खिला के तंदुरुस्त रखते हैं, अगर इसे थोड़ी बीमारी हो जाए तो भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि ये ठीक हो। तो हमारा ध्यान सिर्फ शरीर के अंदर है, तो समझा रहे हैं कि शरीर क्या है। फरमा के तन सुंदर छवि देख ना भूलो, अगर अपने तन को शरीर को देखो वो सुंदर है और वो आपको सुंदर दिखाई देता है, उसकी छवि सुंदर दिखाई देती है, तो उसमें ही गुमना रहो। बहुत से लोग हैं वो सुबह उठे शीशे में देखते हैं, अपनी शक्ल को देखते हैं, सोचते हैं ये बड़ी सुंदर है, फिर आईब्रो कोई फिक्स करता है, कोई बालों को सुधारता है और सोचते हैं हाँ मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। तो फरमा रहे हैं कि तन सुंदर छवि देख ना भूलो, वो कह रहे हैं कि अगर आप शरीर में ही ध्यान दे रहे हैं तो भूलो मत। क्या मतलब? ये बारू की भीत, कि ये एक रेत की दीवार है। अभी रेत की दीवार है तो जरा सा टच होता है तो गिर जाती है, और शरीर का क्या हाल है, यही अभी हम किसी को मिलते हैं वो ठीक ठाक है, घर पहुंचते नहीं तो मैसेज आ जाता है जी उनकी मौत होगी। ये टेम्पररी एग्जिस्टेंस है, ये सदा सदा के रहने वाली एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कभी भी छोड़ के जा सकती है। वो समझा रहे हैं कि ये शरीर जिस पर हम इतना ध्यान देते हैं उसको हम जाने के ये क्या है, ये चंद क्षणों के लिए हमें दिया गया है, उसके बाद इसने हमें छोड़ देना है। हम समय उस तरफ लगाएं जो असलियत है, जो सदा सदा के लिए टिकेगी, जिसमें जब हम एफर्ट्स डालेंगे उसका फायदा हमें सदा सदा के लिए मिलेगा, और वो क्या है, हमारी आत्मा। कि शरीर को तंदुरुस्त करने की बजाय हम आत्मा को तंदुरुस्त करें, शरीर को सुंदर करने की बजाय हम आत्मा को सुंदर करें। जब आत्मा तंदुरुस्त होगी, जब आत्मा सुंदर होगी, वो तब होगी जब वो पवित्र होगी, जब वो पवित्र होगी तो वो फिर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी, वो परमात्मा में जरूर लीन होगी और जिस मकसद से हम सब यहाँ आए हैं वो पूरा हो जाएगा। तो कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि ये कुछ पता नहीं कि ये जो रेत की दीवार है, ये जो शरीर है, ये कब टूट जाए। तो हर पल हर क्षण का हम फायदा उठाएं, उसे गवाए नहीं। महापुर समझाते हैं कि हमें जो हो गया उसका फिक्र नहीं करना है,
क्या होगा उसका फिक्र भी नहीं करना, जो इस समय का क्षण है, जो करंट मोमेंट है, उसका फायदा उठाएं। क्योंकि उठाया नहीं तो वो बीत जाएगा, वो पास हो जाएगा। इसलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। प्रेजेंट मतलब दिस इज अ गिफ्ट, ये प्रभु ने एक तोहफा दिया हमें इस क्षण का, उसका हम फायदा उठाएं। अगर कोई आपको तोहफा देता है और वो पैकेज रैप्ड है और आपने पैकेज खोला ही नहीं, तो उसके अंदर क्या है उसका आप फायदा नहीं उठा सकते। प्रभु हर क्षण नए तोहफे दे जा रहा है, उनका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। उठाएंगे कब? जब ये अनुभव करेंगे, जब ये रियलाइज करेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये एक रेंटेड व्हीकल है, थोड़े क्षणों के लिए मिला है। और ध्यान असलियत की ओर डालेंगे ताकि आत्मा जो हमारा असली रूप है उसका विकास हो, उसकी तंदुरुस्ती हो, उसकी सुंदरता बढ़े, वो अंदरूनी यात्रा पर जाए और उसका मिलाप परमात्मा में। और एक एग्जाम्पल लिया है जिस ओर हम सब भागे भागे जाते हैं इस दुनिया में। हर एक की कोशिश होती है वो धन दौलत कमाए, लगता है मकान भी चाहिए, कार भी चाहिए, चीज भी चाहिए, पैसे होंगे तभी लेंगे। तो सुबह से रात तक इंसान धन दौलत के पीछे भागता रहता है। तो धन दौलत है क्या, वो यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि सुख संपत्ति सपने की बतियां जैसे तृण पर शीत। वो कह रहे ये जो धन दौलत है जो हम कमाने के लिए सुबह से रात तक लगे हुए हैं, और रात से सुबह तक भी वही सोचते रहते हैं कि कैसे पैसे और कमाएं, कैसे धन दौलत और कमाएं, कैसे प्रॉपर्टी खरीदें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे हम इस दुनिया में और स्टेबल होते चले जाएं। तो बता रहे हैं कि जिसको हम धन दौलत समझते हैं ये सपने की है, ये सपने की धन दौलत। क्यों? क्योंकि जब इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो ना हमारा कैश बैलेंस हमारे साथ जा रहा है, ना हमारी प्रॉपर्टी जितनी खरीदी जा रही है, ना हमारी कार जा रही है, ना हमारी ज्वेलरी जा रही है, ना हमारे कपड़े जा रहे हैं, ना ही और कुछ जो हमने लिया, वो सब के सब यहां रह जाएंगे। उनका होगा क्या? अगर बाल बच्चे अच्छे हैं तो अच्छी तरह से उनमें बढ़ जाएंगे, नहीं तो उनमें लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि ओहो ये तो मेरे को मिलना चाहिए, तो मेरे को मिलना चाहिए, तो मेरे को मिलना चाहिए। और वो धन दौलत उनके साथ भी नहीं जाने वाली, उन्होंने भी अकेले जाना है। वो कह रही सपना ही है कि हमें लगता है ओहो धन दौलत चाहिए, धन दौलत चाहिए। उस सपने से हम जागे कि सुख संपत्ति सपनों की बतियां, जो भी धन दौलत दुनिया की चीजें हम इकट्ठी करने में जुड़े हुए हैं, इनका हमें कोई फायदा नहीं होगा। जैसे सपने से जब इंसान उठता है उसकी जागृति होती है, लगता है ओ ये तो सपना ही था। और आगे एग्जाम्पल लेके बताए, जैसे तृण पर शीत, वो कहते हैं जैसे घास है या तिनके होते हैं जो सूखे हुए हैं, उन पर ओस पड़ती है और जब धूप निकलती है या थोड़ी हवा चलती है तो ओस हट जाती है। वही हालत धन संपत्ति की है कि हम जाने के धन दौलत हमने कौन सी कमानी है जो हमें आत्मिक मददगार होगी, जो हमारी आत्मा को फायदा करेगी। वो धन दौलत क्या है? शब्द के साथ जुड़ना, नाम के साथ जुड़ना, अंदर की दुनिया में रसाई करना। अंदर की दुनिया रूहानी दुनिया है, रूहानी दुनिया प्रेम की दुनिया है। प्रेम की दुनिया में हम जाते हैं तो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा से हटने शुरू हो जाते हैं, और जब मन माया के पर्दे हमारी आत्मा से हटते हैं हम निरोल प्योर स्टेट में पहुंचते हैं। और जब हम प्योर स्टेट में एक सच्ची सुची स्टेट में पहुंचते हैं तो फिर हम प्रभु से दूर नहीं, हम प्रभु में मिलने के लायक हो जाते हैं। और जब प्रभु में मिलते हैं तो जिस मकसद को पूरा करने के लिए इस धरती में हम पैदा हुए हैं वो पूरा हो जाता है। कि हमें अपनी जिंदगी में वो धन दौलत कमानी है जो आत्मा को फायदा मंद हो, शरीर को नहीं।
जो कुछ भी शरीर के लिए कर रहे हैं वो तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, लेकिन कैसे हम जिंदगी जिए, प्रेम से जिए, नम्रता से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, सच्चाई से जिए, अहिंसा का रास्ता हमने अपनाया, करुणा से जिए, इस किस्म की जिंदगी हमें अपनी आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार होगी। तो हमारे अंदर सद्गुण होने चाहिए, वही धन दौलत है। और फिर जब हम बैठते हैं अभ्यास के लिए, शरीर से ऊपर उठते हैं, हमारे सद्गुरु की दया मेहर होती है कि हमारा शिव नेत्र खुलता है, जब नाम की देन मिलती है, और फिर उनकी मदद से हम अंदर की दुनिया में जाते हैं। तो अंदर की दुनिया में जाने से ही एक बदलाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। जब हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, तो चेंजेस बदलाव हमारे अंदर आना शुरू होता है और हम फिर एक सच्चा इंसान बन जाते हैं, ऐसा इंसान जो प्रभु चाहते हैं कि हम बने। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इंसान का सही मायनों में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। कि हमें एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान, एक नेक इंसान बनना है, तभी हम प्रभु को पाने के लायक होंगे। वही रियल धन संपत्ति है। आगे कबीर साहब फरमा रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि जिंदगी में हम करते क्या हैं उसका हमें हिसाब किताब देना पड़ता है, और करना क्या चाहिए। अब सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं, उठते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ बोलते हैं, किसी को बताते हैं कुछ करो, और कुछ एक्शंस लेते हैं, कार्य करते हैं। हर सोच, हर बोल, हर कार्य का हमें भुगतान करना है। अच्छे होंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, बुरे होंगे तो बुरे कर्म बनेंगे। तो वो समझा रहे हैं यहाँ कबीर साहब के, जाहि कर्म परम पद पावे, कि कर्म कौन से करने हैं जिनसे परम पद मिले, जिनसे आत्मा की मुक्ति हो, 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा मिले। हम तो सुबह शाम तो दुनिया की चीजों में लगे हुए हैं कि जाहि कर्म परम पद पावे सो ही कर्म करुमीत। वो कह रहे ऐसे कर्म करो जिनसे आप परम पद को पा लो, ऐसे कर्म करो जिससे कि आपकी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो ऐसे कर्म कौन से हैं? भजन अभ्यास में बैठना, जिन्हें नेक कर्म किया जाता है, जिनसे कोई कर्म नहीं बनते, जिनका हमें भुगतान नहीं करना पड़ता। नहीं तो हर एक कर्म, चाहे वो अच्छा विचार हो, चाहे अच्छे बोल हो, चाहे अच्छे कार्य हो, चाहे वो बुरा विचार हो, चाहे बुरे बोल हो, चाहे बुरे कार्य हो, उनका कोई ना कोई हमें भुगतान करना पड़ता है। बुरी चीजों के दंड मिलता है, अच्छी चीजों का फल मिलता है, लेकिन फल के लिए भी बार 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 इस दुनिया में आना पड़ता है। इसीलिए कृष्ण जी महाराज ने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा इसको। वो कहते हैं कि जो बुरे कर्म है, जैसे बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा कार्य किया, ये लोहे की जंजीरें हैं, इनके लिए तो हमें दंड तो देना ही पड़ेगा। हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, उनको बुरा बोलते हैं, बुरे काम करते हैं, तो कोई भुगतान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो फरमाते जो अच्छे विचार हैं, अच्छे बोल, अच्छे कार्य हैं, ये भी बहुत अच्छे नहीं, ये भी जंजीरें हैं, किसकी, सोने की, क्योंकि इनका फल लेने के लिए बार 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 हमें इस धरती पर आना पड़ेगा, बार 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 किसी शरीर में होना पड़ेगा। तो यहां पर ये समझा रहे हैं कि कर्म वो करो जिनसे हम अपनी मकसद तक पहुंचे। तो वो कौन से कर्म, जिन्हें नेक कर्म कहते हैं। तो सबसे पहला क्या तरीका है कि भजन अभ्यास में बैठें। अब जो भजन अभ्यास में बैठते हैं, पहले शरीर को शांत करते हैं, फिर मन को शांत करते हैं। जब मन को शांत करते हैं और शरीर शांत हो, तो फिर इस शरीर से हमारी आत्मा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं, और जब सिमरन सही तरीके से किया जाए तो कोई सोच विचार नहीं आता। उस अवस्था में जब शरीर भी शांत है, मन भी शांत है, कोई सोच विचार भी नहीं आ रहा, ना कोई बोल हो रहे हैं, ना कोई कार्य हो रहे हैं, वो नेक कर्म का समय है। एक और समय जिसमें कर्म नहीं बनते, वो सत्संग में आना है।
जब हम सत्संग में आते हैं और हमारा पूरा ध्यान अपने सद्गुरु की ओर है, तो उस समय हम कोई विचार नहीं आता, कोई बोल नहीं होता, कुछ कार्य नहीं होता, तो वो नेक कर्म का समय है। और एक तीसरा तरीका भी है कि जब हम निष्काम सेवा करते हैं, वो सेवा जिसमें हमारे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश ना हो कि हमें जो हम कर रहे हैं उसका कोई फायदा मिले। जब हम किसी की मदद करते हैं अपने सद्गुरु के नाम में या पिता परमेश्वर के नाम में, उसमें भी कोई कर्म नहीं बनते। जैसे पंजाबी का मुहावरा, हथ कारवल दिल यारवल, कि जब हम अपना काम कर रहे हैं और ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है, जब किसी की मदद कर रहे हैं ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है, वो समय हमारे नेक कर्म के समय होते हैं। तो यहां समझा रहे हैं कि इस किस्म की हम जिंदगी गुजारें जिसमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, ताकि कोई भार के और कर्म ना बढ़ते चल जाएं, जिनको या भुगतने के लिए या उनके फल पाने के लिए बार 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 हमें किसी न किसी योनि में आना पड़े। और आगे फरमा रहे हैं, शरण आए सो सभे उभारे, यही साहिब की रीत। अगर ये लाइन हम समझ लें तो संतमत का रास्ता हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि शरण आए सो सभे उभारे, कि जब हम प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं, जब हम एक पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंच जाते हैं, तो वो सबको उभार देते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं, वो सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, जिसे जितना जितना चाहिए उतना उतना मिलता है। अगर प्रभु यहाँ पर है तो कोई यहाँ पर है उसको इतनी मदद चाहिए, कोई यहाँ पर है उसको शायद ज़्यादा दिखा चाहिए वो पहुँचने के लिए। तो हमें जो जो चाहिए वो पिता परमेश्वर हमें किसी ना किसी जरिए जरूर देते हैं। रूहानी रास्ता हमें एक पूर्ण महापुरुष के जरिए मिलता है। जब वो हमें नाम की देन देते हैं तो हमारे यहाँ शिव नेत्र पर आकर टिक जाते हैं और हर समय वो हमारी मदद कर रहे होते हैं, हमें वो सहारा दे रहे होते हैं, ताकि हम इस जिंदगी, ये जो भव सागर है, इसको पार कर जाए। उनका सहारा हमें दिखता नहीं, उनका सहारा है तभी हम जी रहे हैं, उनका सहारा है तभी हम खा रहे हैं, उनका सहारा है तभी जिंदगी चल रही है, उनका सहारा है तभी हम प्रभु की ओर खींचे चल जा रहे हैं। लेकिन उनका सहारा इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता। बहुत सी बार हम सोचते हैं शायद हमारे करने करके कुछ हो गया। कई भाई बहन सोचते हैं कि वो पिता परमेश्वर को या अपने सदगुरु को बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलव्ड, के प्रेम पहले हमारे सदगुरु में या पिता परमेश्वर से आता है। ये उनके प्रेम का खिंचाव है जो हम उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, वही हमारी डोर जब खींचते हैं तो हम उनकी ओर जाते हैं। तो यहाँ पर कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि जो भी उनकी शरण में आया उसको वो मदद करेंगे, यही उनकी रीत है, यही उनका तरीका है। वो हर एक को मदद करते हैं, हर एक को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक आत्मा जो प्रभु से बिछड़ गई हो जाकर प्रभु में लीन हो। तो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी ग्रेस हमारे साथ हर समय है, और ये उन्हीं का खिंचाव है जो हमें दो से एक कर देता है। अभी हम डुअलिटी की जिंदगी जी रहे हैं, द्वैत की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब पिता परमेश्वर का प्रेम हमें मिलता है तो हम दो से एक हो जाते हैं। हमारे अंदर पिता परमेश्वर को पाने के लिए एक लगन बढ़ती है, हमारे कदम ऐसे उठते हैं ताकि तेजी से हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। और जैसे जैसे हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि अंदर से एक सुकून, एक शांति हम सबको मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर हम एक परमानेंट
स्टेट में पहुंचते हैं, एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जो सदा सदा के लिए रहेगी, जिसमें कोई हलचल नहीं, जिसने बदलना नहीं, जो हमें हर समय हर पल प्रभु की ओर खींच के लेके जाएगी। और आखिर में कबीर साहब फरमा रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल हो भव जल जीत। वो साधो वर्ड यूज किया गया साधक के लिए, कि हे साधक तुम अपनी मंजिल तक जाना चाहते हो, तुम भव सागर को पार करना चाहते हो, इसको जीतना चाहते हो, तुम्हारी नैया इस भव सागर में आ गई, तुम इस माया की दुनिया में आ गए हो, अब तुम्हें इसके पार जाना है। तो अगर पार जाना है तो कैसे जाओगे, कि कर साहेब से प्रीत रे मन, कर साहेब से प्रीत। तो सारे शब्द में वो समझा रहे हैं कि हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे, मोक्ष की अवस्था कैसे पाए, 84 लाख जिया जून से छुटकारा कैसे पाए, कैसे हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़े, कैसे हम प्रभु से एकमेक हों। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जैसे कबीर साहब ने इस शब्द के जरिए हमें समझाया है, हम अपने सदगुरु से और पिता परमेश्वर से प्रेम करें, हमारा ध्यान उनकी ओर हो, उनके प्रेम में हम रंगे जाएं, ताकि जो हमारा मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, ये जो आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हों, आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।